वो पीछे ठिडानी के पहाड़ देखें सारे, खतरनाक बारिश आई हुई अभी तक लगी नहीं, अभी लग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक अनदर व्लॉग। अभी आए हूँ जी छत पे, आज माशाल्लाह धूप देखें कितनी क्लास की धूप निकली हुई है, ये देखें सारा पीछे पहाड़ भी सारे क्लियर हो गए हैं। तीन चार पाँच दिन लगातार बारिश के बाद माशाल्लाह व्यू देखें। अभी टॉप वाले छत पे आया था तो यहाँ से कमाल व्यू था माशाल्लाह। ये देख दरख्त हमारे कितने बड़े हो गए हैं, ये दूसरी मंजिल से ऊपर है, ये आखिरी वाला व्यू कितना कमाल का आ रहा है यहाँ से। सामने पहाड़ देखे जहाँ पे ब्लास्टिंग होती है, अभी तो बंद है खैर। अभी मैं आया हूँ मुर्गी के पास, तो माशाल्लाह इसके आज हो गया 22 दिन, तो अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं है, ज़रा चेक करता हूँ। फिलहाल कोई आवाज़ वगैरह नहीं है चूज़ों की भी, और अंडे भी सही सलामत पड़े, कोई क्रैकिंग नहीं है। ये खाना वगैरह इसने कम ही खाया हुआ है, तो उम्मीद है कि एक दो दिन में अंडे निकल जाएंगे बच्चे। बहरहाल फिलहाल इसकी जो है ना कोई भी अंडा नहीं, फिलहाल अंडे एक भी क्रैक नहीं हुआ। मतलब जो मैं सोच रहा था ना कि अभी शायद हो सकते हैं एक कद अंडे के ऊपर क्रैकिंग आ गई हो, वो काम नहीं हुआ इसके साथ। तो फिलहाल बिल्कुल सही सलामत सारे अंडे नीचे पड़े हैं, क्योंकि ये साइड से इस सारे अंडे ठीक है। तो अभी हम जो है ना बाहर चलते हैं, और यहाँ पे थोड़ी सी हमने मिट्टी भी डालनी है, मिट्टी डाल के उसके अंदर बाजा वगैरह डाल देंगे, जैसे इसके बच्चे निकलेंगे तो वो चले इसके अंदर फंसने से बेहतर है कि मिट्टी के साथ जो है ना मिट्टी के ऊपर ये पम्प वगैरह मारते रहेंगे, वो ठीक रहेगा। तो अभी बाहर चलते हैं, वाइट वाले मुर्गे को भी बाहर छोड़ते हैं जाके। केज के अंदर आया हूँ जी, क्योंकि ये मेरा पे जो पेयर है काफ़ी टाइम हो गया बॉक्स के अंदर है, इसको चेक करना पड़ेगा केज के बेबी कोई आए हैं या अंडे आए हैं कि नहीं, ये बहुत टाइम से ये बॉक्स में है, उम्मीद तो नहीं है मुझे। बहरहाल चेक कर लेते हैं क्या बना है इनका। तो ये सामने जो है इनको हम सेल करना चाहते हैं, अगर जिस किसी को भी लगते हैं तो हमें हमसे रब्ता कर सकते हैं बजीज के बारे में, और यहाँ से इसको हम चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, अल्लाह खैर, मादी तो बैठी हुई है, फिलहाल कुछ भी नहीं है, ये वो नर है इसका, तो ये मादी है बॉक्स के अंदर तो मौजूद है। बहरहाल इसका फिलहाल आया कुछ भी नहीं है, तो इसके हम बॉक्स को दोबारा से बंद कर देते हैं। चले खैर, उम्मीद पे ही दुनिया भी कायम है, हम भी इसको जो है ना उम्मीद पे ही रखते हैं। और इसके अलावा जो है ये हमारा पैर है जावा का, इसके माशाल्लाह 6 अंडे आए हुए थे, तो बकाया इनके बच्चे वगैरह भी सारे आए हुए हैं, ये हमने सारा खाना वगैरह इनके आगे डाल दिया। तो अभी इंशाल्लाह चलते हैं शॉप को, तो शॉप पे ही आपसे मिलेंगे या वापसी पे घर में इंशाल्लाह मिलेंगे। गाइस ये देखें बादल किस तरह आए हुए हैं, ये इस तरफ सारी धूप है, आसमान बिल्कुल साफ है, और यहाँ से पीछे देखें वो पीछे ठिडानी के पहाड़ देखें सारे, ख़तरनाक बारिश आई हुई अभी तक लगी नहीं, अभी लगने वाली है, बहुत सख्त तूफान आया हुआ है। अभी देखें जी बारिश स्टार्ट हो गई है, 2 मिनट पहले धूप थी, अभी बादल अचानक आए और तेज़ बारिश हवा के साथ, सामने हवा देखें सख्त तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। अभी ये देखें जी अभी यहाँ पे मैं आया हूँ बाहर, तो बारिश देखिए ओले पड़ रहे हैं, ये देखें नीचे नज़र आ रहा है आपको, और ये देखिए आगे की तरफ मौसम साफ है, वो आगे ये देखिए और बकाया इस तरफ देखें ये ऊपर सारा बहुत सख्त जो है ना हवा चल रही है, झंडे को देखिए आपको झंडे से नज़र आ रहा होगा, और तेज़ बारिश लगी है बहुत तेज़। अभी थोड़ा टाइम पहले एकदम धूप थी और अचानक जो है बारिश स्टार्ट हो गई है, ये देखें सारी ये सारी तरफ जो है ना तेज़ तरीन बारिश, बहुत तेज़ बारिश, झंडे से अंदाज़ा लगा लें हवा कितनी तेज़ है।
और बस भाई अल्लाह ताला रहम करे, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है, ओले पड़ रहे हैं। गाइज इस व्लॉग को भी हम करेंगे यहीं पे एंड। जो हमारे चैनल पे नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर किया करे, लाइक किया करे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।